देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जजों को उनका वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके बाद सीजेआई विफर पड़ते हैं और नीतीश सरकार को डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीआई चंद्रचूड़ ने बिहार सरकार, खासकर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने डांट लगाई है, फटकार लगाई है और कहा है कि अगर जजों को समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा, उनका वेतन का भुगतान नहीं होगा, तो भला वो काम कैसे करेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीतीश सरकार पर क्या कुछ बयान दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ नीतीश कुमार को और बिहार सरकार को कहा है, क्योंकि जजों को उनका वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, क्या अपडेट है, आइए आपको बताते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को बिहार की नीतीश सरकार पर उस समय बिदक गए जब वह पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को कई महीने से वेतन न मिलने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। राज्य सरकार पर गंभीर रुख अपनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया कि वह जस्टिस मिश्रा के लिए अस्थायी सामान्य भविष्य निधि यानी GPF खाता खोलकर उनकी लंबित तनख्वाह जारी करें। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, ऐसा कहना है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का। दरअसल बताएं तो जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को 4 नवंबर 2023 को जिला न्यायपालिका से पटना हाईकोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उन्हें उनकी पदोन्नति की तारीख से वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास GPF खाता नहीं है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वेतन लेने के लिए एक शर्त है। अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीश नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उनके पास JPF खाते नहीं हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा को अपना वेतन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश NPS के अंतर्गत नहीं आते हैं। पीठ ने पूछा, उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्या है, हम उनकी तनख्वाह जारी करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेंगे। पीठ ने यह भी कहा कि बिहार सरकार को न्यायमूर्ति मिश्रा के लिए एक अस्थायी GPF खाता खोलने का निर्देश देगी। केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार तक का समय मांगा और पीठ को आश्वासन दिया कि तब तक मुद्दा सुलझ जाएगा। तो देखिए, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के वक्त अचानक से CJI यानी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बिहार सरकार पर विफर पड़ते, उन पर बिदक जाते और कहते हैं कि अगर जजों को समय पर वेतन नहीं मिलता है तो भला वो काम कैसे करेंगे। उसके बाद इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हुए नीतीश सरकार को ये कहते हैं कि फौरन आप उनके वेतन का भुगतान करें और जो कुछ भी प्रक्रिया लंबित है उसे जल्द से जल्द पूरी की जाए। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।